डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर की किताब डूंगियां सिखरां भाग 15 जिंदगी विचों गुजरदियां। जिंदगी विचों गुजरदियां कीतियां गलतियां दे कुल जोड़ नूं तजर्बा कहिंदे हन। असी हर उम्र विच गलतियां करदे हां, कुछ साढ़े ना चाहुण दे बावजूद वापर जांदा है, जिमें जोड़े बच्चे हो जाते हैं चाहे नहीं जाते। कुछ गलतियां करनियां पैंदियां हन, जिमें ब्याह तो मगरों कई बार तलाक देना जां लैना पैंदा है। अपनी अकल उत्ते जितना माण 10 to 20 साल की उम्र विचकार हुंदा है उतना मगरों कदे नहीं हुंदा। इन्ना सालां विच कीतियां गलतियां समुचे जीवन उत्ते प्रभाव पाउंदियां हन। 20 to 40 तक सानू अपनियां शक्तियां दा ही ज्ञान हुंदा है, इस उपरांत असी अपनियां कमजोरियां तो जाणू हुंदे हां। सोचना असी 50 तो मगरों आरंभ करदे हां, उस तो पहला असी महसूस ही करदे हां। तजर्बा दसदा है कि जेहड़ा 10 साल की उम्र विच चुस्त नहीं, 20 साल की उम्र विच सोहना नहीं, 30 साल की उम्र विच तकड़ा नहीं, 40 साल की उम्र विच अमीर नहीं अते 50 साल की उम्र विच सियाना नहीं, उसनू कोई भी चुस्त सोहना तकड़ा अमीर अते सियाना नहीं कहेगा। 50 तो मगरों जो कुछ कीता जांदा है वह पहले कीते दा दोहराओ ही हुंदा है, कुछ नवा सिरजण दियां संभावनावां नहीं हुंदियां। साडे जीवन विच 50 साल की उम्र जवानी दा बुढ़ापा अते बुढ़ापे की जवानी हुंदी है। सोचना अते करना मनुखी जीवन दे दो मुख खेतर हन, दोहां दे मेल विचों चरित्र शख्सियत रुतबा अते खुशहाली जन्मदे हन। जे सोचन अते करन विच इक सुरता ना होवे तां गलतियां दी गिणती वध जांदी है अते जिंदगी विच घाटे पैंदे हन। जवानी दियां गलतियां अपने आप नूं सियाणे समझण अते बुढ़ापे दियां गलतियां हरेक वल्लों अपने आप नूं जवान समझण दे भुलेखे विचों उपजदियां हन। गलतियां अते योग्यता राही असी जिंदगी दे नेम समझदे हाँ अते तजर्बे राही असी जानदे हाँ कि किथे ए नेम लागू हुंदे हन अते किथे ए नेम लागू नहीं हुंदे। रोमन बादशाह जूलियस सीजर सियाणा हो गया सी, सो ओ दुनिया नूं जित्तण लई नहीं सी निकलिया, ये काम सिकंदर ने कीता क्योंकि वह जवान सी अते उसने अजे सोचना आरंभ नहीं सी कीता। सिकंदर ने भी गलतियां तो जान लिया सी कि युद्ध विच एक गलती दो बार करन दी सहूलत नहीं हुंदी अते तजर्बे ने उसनू दस दिता सी कि मौत तो सिवाय मनुख सब कुछ बर्दाश्त कर लेंदा है। गलतियां इसलिए हो जांदियां हन क्योंकि इन्हां नूं करना सौखा हुंदा है, ये बधेरे खिच पाउंदियां हन अते साडे सुभावक बिहार दे नेड़े हुंदियां हन। गलतियां नाल घाटा पैंदा है पर योग्यता भी उपजदी है अते असी सही अते गलत विचकार अंतर जाण जांदे हां। योग्यता सानू सियाणा बनाउंदी है पर खुशहाल असी कारजां नाल अते मेहनत नाल ही हुंदे हां। अज्ञानता नूं केवल सिक्ख्या नाल दूर नहीं कीता जा सकता क्योंकि मेहनत नाल काम करन तो बिना सिक्ख्या भी अज्ञानता नूं दूर नहीं कर सकती। सुस्ती दी सजा असफलता नहीं हुंदी, गरीबी साड़ा ईरखा अते दुश्मनी भी हुंदी है। कुछ करन तो पहले आराम करन दी आदत नूं सुस्ती कहिंदे हन। सुस्त व्यक्ति उत्ते ना कोई ज्ञान असर करता है ना ही कोई दवाई, सुस्त व्यक्ति परिवर्तन दे विरोधी हुंदे हन। तजर्बा दसदा है कि ठीक सोच व
वाले व्यक्ति इनकलाब नहीं लिया सकते, वो चिंतक होण करके सुधार ही लिया सकते हैं। गलत सोच वाले लोग धीरजवान अते सहनशील नहीं होंदे, सो वो आतंकवादी या अतिवादी हो निबड़दे हैं। इनकलाब उही लियाउंदे हन जिन्हां दे कारजां पिछे एक शक्तिशाली विचारधारा हुंदी है। इनकलाबी भी वक्त दे बीतण नाल परिवर्तन दा विरोध अते विरोधियां नूं कतल करन दा पाप करन लग पैंदे हन। अजिहे व्यक्ति रब नाल भी वधीकी करदे हन, उस नूं कुछ करन ही नहीं दिंदे, सारे पाप आप ही करी जांदे हन। अजे मनुख नूं अजिहा कोई झरना नहीं लभ्या जिथे उसकी सारी प्यास बुझ जावे। अधूरेपण का एहसास मनुख नूं टिकण नहीं दिंदा, इसे लई हरेक मनुख अशांत है। गरीबां, मरीजां, कमजोरां, अनपढ़ां आदि लई कोई आजादी नहीं हुंदी। सो जदों तक पेट भुखा है ज्ञान की भुख जाग नहीं सकती। संसार दे अर्थ ही ये हन जेड़ा साड़ी इच्छा अनुसार ना होवे। सच्चे ज्ञान अते साधारण ज्ञान विच अंतर समझण दी लोड़ है। जे जान लिया कि बेईमानी पाप है अते बेईमानी दा त्याग कर दिता, ये सच्चा ज्ञान है। जे जान लिया कि बेईमानी बुराई है पर इस दे बावजूद असी बेईमान बने रहिए, ये साधारण ज्ञान है। जिंदगी दी पद्धर उच्ची सुच्चे सच्चे ज्ञान नाल ही होवेगी, जदों की साधारण ज्ञान नाल ज्ञानवान होण अते पद्धर उच्ची होण दे भरम अते भुलेखे ही पैणगे। मनुख तजर्बे तो सिखदा है कि ब्याह प्यार दी घाट करके नहीं, समझ सूझ दी घाट करके टुटदे हन। खुशी मानन लई किसे नूं भाईवाल बनाउणा पवेगा। सतरंगी पींग वेखण वास्ते मीह दी बेआरामी सहणी पवेगी। सूरज तो चानण मंगण दी लोड़ नहीं, ओ बिना मंगे ही देई जांदा है, तुसी वी दिओ। कुदरत विच किसे दा किसे नाल कोई मुकाबला नहीं, पर जीवन विच मुकाबले कारण असी भटकदे हाँ। विरोध अते जित्तण दी मिर्ग तृष्णा भटकाउंदी है, भटकण सहयोगी है होके ही मिटदी है। याद रखण दी लोड़ है कि हर किसे दी सोच वक्खरी है, हर किसे दा स्वर्ग वक्खरा है। बच्चे वास्ते खिडौणियां दी दुकान स्वर्ग है, जिथे चाकलेट समेत हर चीज़ मुफ्त है। इस्त्री लई हीरियां दा भंडार स्वर्ग है, जिथे भोजन भी पक्या पकाया मिलता है। पुरश लई वड्डा व्यापार ही स्वर्ग है, जिथे सारे ग्राहक खरीदण लई ही आउंदे हन। हरेक दे स्वर्ग वांग हरेक दा राह भी वक्खरा है, जिथे महावीर वर्त रख के पहुँचे उथे बुद्ध ज्ञान नाल पहुँचे। सुकरात जहर पी के पहुँचया, ईसा सूली उत्ते लटक के पहुँचया, नानक गा के पहुँचे अते मीरा नच के पहुँची। वक्रे राह वांग हर चीज़ का नेम भी वक्रा है, अग गर्म है पानी ठंडा है, अग साड़ती है उम्र उपर वल जाती है, पानी बुझाउंदा है थले वल आउंदा है। दोहां बारे सोचिए तां ही गल समझ आउंदी है। संसार विच चंगे भी हन माड़े भी संसार विच ही हन। संपूर्ण ज्ञान मुफ्त करता है, संपूर्ण ज्ञान मुक्त करता है, अधूरा ज्ञान थकाउंदा अकाउंदा है। एवें ही संसार विच कुछ भी अंतिम नहीं, ना सफलता ना असफलता, ना अमीरी ना गरीबी, ना समझौता ना झगड़ा, ना तुसी अते ना ही मैं। संसार विच कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा अते कुछ भी अंतिम बार नहीं हो रहा। तजर्बा दसदा है कि जिसका अपने नाल झगड़ा नहीं हुंदा, उसनू अद्धी मानव जाति दी आदतां दा पता ही नहीं लगदा। जिसने व्याह नहीं किया वो जान ही नहीं सकता कि संसार की है।
जिसने प्रेम नहीं किया वह साड़े अते ईरखां तो जाणू नहीं हो सकता। वेख्या गया है कि वस्तां अते प्रेमी फासले करके सोहणे लगदे हन। प्रेमियां विचकार उमरां दा जां रास्तियां दा फासला हुंदा है। जदों वह व्याहे जाते हैं तो फासले की उपजाई सुंदरता मुक जाती है। बहुते नेड़े शीशे विच वेख्या चेहरे के नुक्स ही दिखाई देते हैं। पहाड़ दूरों बड़े सोहने लगते हैं, नेड़े पहुँच के मिट्टी ही नज़र आती है। सानू पुराने थकाउण लग पैंदे हैं ते नवयां विच दिलचस्पी उपज पैंदी है। भरम भुलेखियां दा नवां दौर शुरू हुंदा है। इवें संसार सानू चलाकी नाल पकड़ लैंदा है। आदिवासी कबीलियां विच बांदर फड़न दा सदियां पुराना ढंग यह है कि गिरियां नाल भरे सौड़े मूँह वाले भारे भांडे विच बांदर अपनी बांह पा के गिरियां नाल भरी मुठ मीच लैंदा है। छड़दा नहीं अते फड़िया जांदा है। अपनियां समस्यावां लई असीं आप जिम्मेवार हुंदे हां। जीवन दा दस्तूर दसदा है कि जे तुसीं कर्जा लवोगे तां लैण वेले 20 मिंट ही लगणगे पर कर्जा मोड़न वेले 20 साल लगणगे। उम्र कोई होवे कर्जा लैके लगेगा कि तुसीं 60 साल दे हो गए हो। कर्जा लैणा सौखा है, बचत करके कुछ खरीदना औखा है, पर कदर तां ही पैंदी है जे औखे काम कीते जाण। धार्मिक अते परंपरागत सोच वाले व्यक्ति अपने जीवन विच कुछ औखा जां नवां नहीं करदे, इसलिए उह जीवन दे विचकार जिहे विचर के संतुष्ट हो जांदे हन। योग तैयारी करनी औखे काम करन दी सफलता दा भेत है, क्योंकि तैयारी जां सफलता अते असफलता नूं निखेड़दी है। जे तैयारी ना कीती जावे तो मौका किसी की मदद या किस्मत भी कुछ नहीं कर सकती। सैर या कसरत करनी औखा काम है, पर इन्हां नाल जीवन सौखा हो जाता है। सैर या कसरत का उद्देश शरीर की तंदुरुस्ती नहीं हुंदा, मन की शांति अते सफलता का एहसास भी हुंदा है। हरेक सफल व्यक्ति पिछे असफलता के अनेक वरे हुंदे हन। सफल व्यक्ति वह अकाऊ अते थकाऊ काम भी करते हैं जिन्हां नूं सुस्त या असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। इन्हां औखे कामां नूं पसंद तो सफल व्यक्ति भी नहीं करते, पर अपने उद्देश की पूर्ति लई सफल व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद नूं रुकावट नहीं बन दिंदे। कई काम एक बारी ही करन योग हुंदे हन अते ठीक ढंग नाल करन योग हुंदे हन, जिवें जन्म लैणा, ब्याह करवाउणा अते मरना। ठीक ढंग अपनाउण करके असीं न्यायपूर्ण हो जांदे हां। इह राह औखा है पर इह तसल्ली वाला राह है। संसार न्यायपूर्ण नहीं है, असीं ही संसार हाँ, असीं भी न्यायपूर्ण नहीं हाँ। मेरा एक गुआंढी ने जदों मकान बदलिया तां नवें मकान विच नेड़े दे कस्बे विचों बणदे मशहूर गमले खरीदण दा मन बनाया। पता लगन ते आंडियां गुआंडियां ने भी दो दो तीन तीन दर्जन गमले मंगवाउण दी बेनती कीती। जदों गमले आए तां 30 दर्जन गमलियां विचों 1.5 दर्जन गमले टुट गए सन। सारे गुआंढी आए अते छांट के सबूते गमले लै गए अते टुटे गमले उत्थे ही पए रहे। इवें गुआंढी नूं सेवा दा फल टुटे गमलियां विच मिलिया। संसार न्यायपूर्ण नहीं है, इस करके लोग दुखी हन। जदों कोई बेईमान किसी साहू या ईमानदार बंदे नूं तंग करना चाहुंदा है तां उसदा दिल सख्त ब्योंद पक्की अते इरादा दृढ़ हुंदा है। सो ईमानदार बंदा बेईमान दा शिकार होणों बच नहीं सकदा। जदों कोई ईमानदार जे कदी किसी बेईमान नूं सज़ा देण लगदा है तां उसदा हिरदा कोमल, उसदी ब्योंद अधूरी अते ओह इक सीमा तों वधेरे सख्त हो ही नहीं सकदा। इसलिए उसके पोले जतना कारण बेईमान बच निकलता है। अजोके संसार विच साऊ ईमानदार दे अर्थ दुखी होने तो हन। संसार विच रौनक पाप अते बेईमानी दी है। वेख्या गया है कि जदों कोई भैड़ा व्यक्ति आराम कर रहा हुंदा है तां उदों ही किसी नूं तंग नहीं करदा। किसी नूं तंग ना करना ही उस लई आराम हुंदा है।
ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸਾਊ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸਾਊ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ ਗੂੰਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੁਰਭਾਗਵਸ਼ ਪਤੀ ਬੋਲੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਕਹੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਔਗਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਹਨ, ਸੋ ਜਵਾਨਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੜੇ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਚਣੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ ਦਾ ਉਪਜਾਇਆ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਿਸ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਾਪਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਉਂਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਬਿਉਂਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੁਖੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ।
गलती करन वेले असी ना किसी नाल सलाह करते हाँ ना ही किसी की सलाह पसंद करते हाँ। कुछ ही महीनों विच नूह पुत्र ने बजुर्गों घरों कढ दिता। हुण वह बिरध आश्रम विच सारियां नूं अपनी हड बीती सुनाउंदी है। तुसी भी कई अजिहे माता पिता वेखे होंगे। अजिहा वापरन दा कारण यह है कि जदों संतान नूं अणकमाया धन मिल जाए तो उन्हां दा जीवन बेलोड़े ही सुखदाई हो जाता है। उन्हां नूं सहूलतां मिल जांदियां हन जिन्हां दे योग नहीं हुंदे। पत्नियां विच विखावे की प्रति वधेरे हुंदी है। सो अचानक मिले धन नाल घर नूं दूजियां नूं विखाई जाण वालियां वस्तां नाल भर दिंदियां हन। इस चमकीले वातावरण विच बेरंग बजुर्ग बैठे विचरते जचते नहीं। सो बजुर्गां दा उत्थे रहना संभव नहीं रहिंदा। मेहनत तो बिना ना जिम्मेवारी आउंदी है ना ही पक्याई। जिम्मेवारी सुहिरदता अते पक्याई तो बिना मापियां दी देखभाल करनी संभव नहीं हुंदी। मनुख लई अते विशेष करके बजुर्गों लई जायदाद होना औखे वेलियां नूं बर्दाश्त करन दी समर्था उपजाउंदा है। जायदाद मुड़ गरीबी विच तलकण विरुद्ध बीमा हुंदी है। एवें ही जे माँ की जायदाद होवे तां उसदा बच्चियां दी देखभाल उत्ते प्यो दी जायदाद नालों वी चंगेरा प्रभाव पैंदा है। तजर्बा दसदा है कि लोग मिले मौक्यां तों लाभ नहीं उठाउंदे क्योंकि मौका कम दे वस्त्र पहन के आउंदा है। किस्मत पोली जिही दस्तक ही दिंदी है जदों कि मुसीबत दरवाजा भन के अंदर लंघ आउंदी है। एवें ही असी गलबात दे अवसरां नूं गप्पां विच गुआ दिंदे हाँ। गलबात अते गप विच अंतर यह है कि गप्पां अतीत संबंधी हुंदियां हन जदों कि गलबात भविख संबंधी हुंदी है। गप विच मनोरंजन हुंदा है, गलबात विच विकास हुंदा है। गलबात विच अर्थ हुंदे हन, अर्थां नाल विकास वापरदा है। किसी की योग्यता जां गुणा संबंधी गप्पां नहीं मारियां जा सकदियां। गप्पां दा विशा किसी की सियाणप नहीं, किसी की मूर्खता हुंदी है। बहुते भुखे अते बहुते रजे हुए लोग ठीक निर्णय नहीं कर सकते। एक बारी एक कमेटी ने स्कूल उसारन लई 8 थावां वेखियां सन। 4 वेख के मैंबर थक गए, रज के भोजन खा लिया। 5वीं थां वेख के कहा यही ठीक है, बाकी थावां वेखियां ही नहीं। सुआदला भोजन वधेरे खाधा जाता है क्योंकि जीव ने हजम नहीं करना हुंदा, केवल स्वाद लैना हुंदा है। तजर्बा दसदा है कि जिहड़े तजर्बे तो नहीं सीखते वह पुरानियां गलतियां दोहराउंदे रहिंदे हन। जिहड़े सीखते हैं उही विकास करते हैं। गलतियां सानू बन लेंदियां हन पर तजर्बा बाहर निकलण दा राह विखाउंदा है अते सफलता सानू सुतंत्र करदी है। धन्नवाद।